हेलो फ्रेंड्स, लीलिमा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कपकेक। तो हम बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए वो नोट करेंगे हम। ये मैंने हाफ कप दही ली है, फ्रेश दही है, और इसमें हम ऐड करेंगे हाफ कप शुगर लिया है मैंने, और इन दोनों को अच्छी तरीके से मिलाएंगे। इनको जितना अच्छे तरीके से मिलाएंगे उतना स्मूथ बनेगा और बहुत ही अच्छा फूला फूला हमारा कपकेक बनेगा। इनको बहुत ही अच्छी तरीके से हमको मिलाना है, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे ये 3 टीस्पून तेल लिया है मैंने, वो ऐड करेंगे, और हम इनको अच्छी तरीके से मिलाते जाएंगे। जितना अच्छा मिलाएंगे उतना अच्छा बनेगा। बहुत ही स्मूथ बैटर बनाना है इसको, जितना मिला सकते अच्छे तरीके से। फिर हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। आप देख सकते हैं ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से इनको मिला लिया है, और अब मैंने ये 1 कप मैदा लिया है तो ये इसमें ऐड करूंगी मैं। और मैदा को जब भी ले तो उसको पहले थोड़ा छान ले, और इसको इतना अच्छे से मिलाना है कि बहुत स्मूथ हमारा बैटर हो जाए, इसमें लम्स बिल्कुल ना रहे, और चलाते रहना है हमको अच्छी तरीके से। इसमें घी या तेल जो भी आप यूज कर रहे हैं अच्छी तरीके से मिल जाए, शुगर, और शुगर हमेशा पीसी हुई लेना ताकि इससे और अच्छा बनेगा हमारा बैटर। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूं दूध, आप चाहे तो इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा। ये मैंने थोड़ा सा दूध लिया है इसमें, और इनको अच्छी तरीके से पूरा मिलाना है, इसमें लम्स बिल्कुल ना हो, और अच्छा से स्मूथ बैटर तैयार करना है हमको। आप देख सकते हैं ये मेरा बैटर अच्छा हो गया है, और मैंने 1/2 टीस्पून से भी बहुत कम वेनिला एसेंस यूज किया है। आप देख सकते हैं इससे टेस्ट और बढ़ जाता है हमारे कपकेक का। और ये मैंने टूटी फ्रूटी ली है, ये डालेंगे, थोड़ा सा हम रखेंगे क्योंकि ऊपर से भी हम डालेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है, और इनको हम अच्छी तरीके से मिलाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छी तरीके से मिला लिया है, और अगर आपके पास बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर हो तो 1/2 टीस्पून आपको वो लेना है। मैंने इनो लिया है फ्रूट सॉल्ट, तो इसमें मैं थोड़ा सा दूध डाल के और इनको अच्छी तरीके से मिलाऊंगी। इससे जो हमारा बैटर है और अच्छा हो जाएगा, और बहुत ही स्पंजी और जल्दी फूल जाएगा। तो अगर आपके पास इनो हो तो आप इनो डाल सकते हैं, या बेकिंग पाउडर हो या सोडा हो तो वो डाल सकते हैं आप। और इसको अच्छी तरीके से मिलाएंगे, और इसको 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। उसके बाद इसको हम कप या कटोरी में सेट करेंगे इसको। अभी बैटर हमारा अच्छा हो गया है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम रख देंगे 5 मिनट के लिए। इधर मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि या तो आप कढ़ाई में बना सकते हैं, या तपेली या कुकर, किसी चीज में भी आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ कढ़ाई ली है और उसके ऊपर स्टैंड रखा है। आपके पास स्टैंड नहीं हो तो प्लेट को उल्टा करके भी रख सकते हैं, और इसको अच्छी तरीके से अभी ढक देंगे ताकि अच्छे से गर्म हो जाए कढ़ाई। उसके बाद जो हम कपकेक बनाएंगे उसको हम सेट करेंगे। तो अभी हम इसको अच्छा हीट होने देंगे। ये मैंने कपकेक के लिए कटोरियां ली है, और इसमें हम थोड़ा तेल लगाएंगे अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से तीनों कटोरियों में तेल लगा लेंगे, और इधर हमारी कढ़ाई जब तक गर्म हो जाएगी, और ये जो बैटर है अब हम इसमें डालेंगे, सेट करेंगे इसमें। और कटोरी को हमको ज्यादा नहीं भरना है क्योंकि ये फूलेंगे तो ऊपर आ जाएंगे, इसीलिए इसको थोड़ा खाली रखना है हमको। अब देख सकते हैं मैंने तीनों में बैटर डाल दिया है, और अब मैंने जो ये टूटी फ्रूटी रखी थी इसके ऊपर और गार्निश करूंगी मैं, ताकि ये जो हमारे अच्छे से फूलेगा बैटर तो टूटी फ्रूटी उसमें बहुत अच्छी तरीके से दिखेगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है। और अब मैं इसको, कढ़ाई हमारी अच्छी गर्म हो गई है, तो अब मैं इसको इसमें सेट करूंगी। आप देख सकते हैं मैंने कटोरियां सेट कर दी, और अब इसको मैं ढक दूंगी, और मीडियम फ्लेम पे इसको 20 मिनट्स पकाएंगे हम, उसके बाद हम चेक करेंगे। अब कर सकते हैं, आप देख सकते हैं
अभी थोड़ा बैटर हमारा चिपका है, अभी इतनी अच्छी तरीके से नहीं पका है, इसको 5 मिनट और अच्छे तरीके से पकने देंगे, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। देख सकते हैं आप, अच्छा फूल रहा है हमारा धीरे धीरे। अब देख सकते हैं कितने अच्छे दिख रहे हैं इस अंजी एकदम, और इसको अब हम चेक कर लेंगे। आप देखिए, अब बिल्कुल चिपक नहीं रहा है, मतलब ये अच्छी तरीके से बेक हो गया है। और अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे प्लेट में निकाल के। आप देख सकते हैं ये मैंने कटोरी को अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया है, उसके बाद चाकू की नोक से निकाल लिया है। इसको थोड़ा ठंडा होने देना, उसके बाद ही निकालना, क्योंकि ये गर्म रहेगा तो ये फट जाएगा और अच्छे तरीके से निकलेगा नहीं। तो मैंने अच्छे तरीके से ठंडा होने दिया, उसके बाद निकाला। और आप देख सकते हैं कितना स्पंजी बनाई ये, देख सकते हैं आप। और पीछे से भी अच्छे तरीके से बेक हो गया है और आगे भी अच्छे तरीके से पक गया है। आप लोग भी ट्राई करिए और मुझे आपके एक्सपीरियंस बताइए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।